नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए मजा लेते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरों का, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तेज गति का आधुनिक तंत्र ज्ञान, ऑस्ट्रेलिया अक्षय ऊर्जा की ओर, पीड़ितों को मिला नया जीवन, मधुमक्खियों का गुप्त हथियार, वायु प्रदूषण से बनी स्याही। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन आधुनिक चुंबकीय शक्ति का उपयोग करती है। जानते हैं क्या है यह तकनीक। इसे दुनिया की पहली उड़ती हुई ट्रेन कहा जा सकता है, क्योंकि चीन में चलने वाली यह ट्रेन पटरियों पर चलती जरूर है, लेकिन असल में पटरी और इसके पहिए दोनों के बीच जरा सा अंतर होता है और ये अंतर चुंबकीय प्रभाव से बना रहता है। हाल ही में जिसका अनावरण किया गया, ऐसी मैग्लेव ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्चतम रफ्तार पाने में सक्षम है। यह गति इस ट्रेन को दुनिया का सबसे तेज जमीनी वाहन बनाती है। बीजिंग से शंघाई तक 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में इस ट्रेन को केवल 2.5 घंटे लगते हैं। ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई लोग रूफटॉप सोलर पैनल लगा रहे हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। रूफटॉप सोलर पैनल और छोटी बैटरियां, अक्षय ऊर्जा की ओर, ऑस्ट्रेलिया के तेजी से हो रहे बदलाव को बढ़ावा दे रही है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय ग्रिड पर लगभग 30% घरों में ये सिस्टम स्थापित हैं। 2050 तक यह अनुपात 65% तक पहुंच सकता है। ऑस्ट्रेलिया रूफटॉप सौर बाजार में एक विश्व नेता के रूप में उभरा है। इस विस्तार के कारणों में दी जाने वाली सब्सिडी कई मामलों में आवासीय घरों और खेतों का फैलाव, साथ ही ऑस्ट्रेलिया में ग्रिड के मुद्दे शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रति 1000 घरेलू आधार पर विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा की सबसे अधिक पैठ है। स्वच्छ ऊर्जा नियामक डेटा से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में कुल मिलाकर 2.68 दशलक्ष से अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित हैं, यानी 4 में से 1 घर के छत पर सौर पैनल लगे हुए हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर भरत वाटवानी ने मानसिक स्वास्थ्य पीड़ितों को दिया नया जीवन, श्रद्धा फाउंडेशन के माध्यम से किया है सराहनीय कार्य। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की पहचान करना अक्सर आसान होता है। वो हमारी सड़कों पर घूमते हैं, उनके बाल उलझे हुए होते हैं, उनके कपड़े फटे हुए होते हैं और उनकी बड़बड़ाहट अस्पष्ट होती है। ये नजारे हमारे लिए काफी आम है, इतने कि हम उनसे रूबरू हो चुके हैं। लेकिन 3 दशक से भी पहले, जब डॉक्टर भारत वटवानी और उनकी पत्नी स्मिता ने एक युवा लड़के को नारियल के खोल में गटर का पानी पीते हुए देखा, तो उन्होंने उस बेघर सिजोफ्रेनिया के रोगी को मुंबई में अपने नर्सिंग होम में लाने का फैसला कर लिया। 1988 में इस पहले रोगी के कुछ सप्ताह बाद वटवानी और उनकी पत्नी ने श्रद्धा पुनर्वास फाउंडेशन की स्थापना की। तब से लेकर 32 वर्षों में श्रद्धा फाउंडेशन ने सड़कों पर भटकते हुए 8000 से अधिक मानसिक रूप से बीमार रोगियों को बचाया है। 95% रोगी अपने परिवारों के साथ फिर से एकजुट हो गए हैं। वटवानी की दृढ़ता ने उन्हें 2018 में मैग्सेसे पुरस्कार दिलाया। आक्रमणकारियों से अपने आप को बचाने के लिए मधुमक्खियां एक अनूठी रक्षात्मक रणनीति अपनाती हैं। आइए देखते हैं। पूर्वी एशिया की विशाल मधुमक्खियां कुछ मीटर लंबे छत्तों का निर्माण करती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा शिकारियों से चौकन्ना रहना पड़ता है। सौभाग्य से मधुमक्खियों के पास एक गुप्त हथियार है जो देखने में जितना प्रभावशाली है उतना ही आकर्षक भी है। मधुमक्खियों की अनूठी रक्षात्मक रणनीति में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होते हैं, जो अपने शरीर के पिछले छोर को 90 अंश तक बढ़ाते हैं और उन्हें एक साथ हिलाते हैं, जो दुनिया भर के स्टेडियमों में देखी जाने वाली प्रसिद्ध मैक्सिकन लहरों के समान प्रभाव पैदा करते हैं। खतरों के प्रति इस प्रतिक्रिया का संचार और उत्पादन करने में सैकड़ों मधुमक्खियां कैसे सक्षम है, यह बात अभी अज्ञात है। लेकिन जंगल में इस व्यवहार का अध्ययन करने के 15 वर्ष के बाद वैज्ञानिक अब आश्वस्त हैं कि यह एक रक्षा तंत्र है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस तरह छत्ते के झिलमिलाने की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि हुई तो पास के शिकारियों ने अपना हमला रोक दिया और भाग गए। इन लहरों में जितनी अधिक मधुमक्खियों ने भाग लिया उतनी ही तेजी से शिकारी पीछे हट गए।
हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि विशाल मधुमक्खियों की झिलमिलाहट हमलावरों को कैसे प्रभावित करती है, लेकिन ऐसा होता जरूर है। अनिरुद्ध शर्मा और उनकी टीम ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो वायु प्रदूषण को स्याही में बदल देता है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। 2012 में भारत की यात्रा पर आए अनिरुद्ध शर्मा ने एक डीजल जनरेटर को एक सफेद दीवार पर कालिख उड़ाते हुए एक तस्वीर खींची। उस काले त्रिकोणीय दाग ने शर्मा को प्रदूषण के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया और स्याही जैसे वर्णक के बारे में भी। हम अपने पेन या इंकजेट प्रिंटर में जिस काली स्याही का उपयोग करते हैं वह अनिवार्य रूप से कालिख से बनी होती है। इस पदार्थ के लिए तकनीकी शब्द है कार्बन ब्लैक और यह पाउडर है जो कोयले से या तेल को जलाने के बाद बनती है। उन्होंने सोचा कि दीवार पर दाग पैदा करने वाले उन कणों को कैद करने से प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सकता है। 2013 में शर्मा और कुछ दोस्तों ने MIT की मीडिया लैब में फ्लूइड इंटरफेसेस ग्रुप में एक मोमबत्ती से कालिख से बनी स्याही का उपयोग करके छपाई करने के लिए एक इंकजेट प्रिंटर कार्ट्रिज को हैक किया। एक साल बाद शर्मा पूरी तरह से वायु प्रदूषण से बनी पहली व्यावसायिक स्याही एयर इंक बनाने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत लौटे। अब शर्मा की एयर इंक न्यूयॉर्क में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित है। अगर पूछा जाए कि दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गीत कौन सा है तो अलग अलग जवाब होंगे, लेकिन क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर, आइए जानते हैं जाते जाते। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार समर्थ रामदास जी द्वारा रचित भगवान गणेश जी की आरती सुखकर्ता दुखहर्ता ही दुनिया में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गीत है। हर साल कम से कम 15 करोड़ बार इसे गाया जाता है। समर्थ रामदास स्वामी ने सृष्टि के निर्माता भगवान गणेश की स्तुति करने के लिए मोरगांव के मयूरेश्वर मंदिर में बैठकर इस आरती की रचना की थी। सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उतिशेंदुराची। इसी के साथ आज के इस अच्छे खबरों के दौर में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।